हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सी पी स्मार्ट क्लासेस आई सेल्फ प्रिया और मैं आपके साथ इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो यू पी टेट सी टेट और एस टेट में पूछे जाते हैं और आज हमारा पहला एपिसोड है और हर एक एपिसोड में हम कुछ फिफ्टीन क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसको डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम आपको धीरे धीरे और एपिसोड्स अवेलेबल कराएंगे और एक बात और हमारे जो मोबाइल ऐप है सी पी स्मार्ट क्लासेस का उस पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में और और इस मॉक टेस्ट का आप फ़ायदा उठाएं और जो भी क्वेरी हो प्लीज़ इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप करके उसको क्लियर कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ लर्नर्स कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश विल इम्प्रूव वेन शी और ही रिसीव डैश ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इज़ एप्रोप्रिएट इस क्वेश्चन का मतलब ये निकलता है कि जो भी लर्नर है उसकी कुछ भी करने की क्षमता इंग्लिश में तब बढ़ेगी जब यही आपको भरना है इस जब का आंसर और जब उसके एक्सपीरियंस में वो चीज़ आएगी आप लोग ऑप्शन पढ़िए और यहाँ पे जो भी फीडबैक्ता है उसको अपना आंसर को बताइए जिनको आ रहा हो इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी स्लाइटली हायर लेवल तो पूरा सेंटेंस ये हो जाएगा अ लर्नर्स कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश विल इम्प्रूव वेन शी और ही रिसीव्स अ स्लाइटली हायर लेवल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इज अप्रोप्रिएट ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आप लोग को कि और आगे बढ़ते हैं अगर कोई कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल से डाल दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेरी को पहले क्लियर करें फिर आगे बढ़ें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विद इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज ऑप्शन है आपका इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स सेकेंड ऑप्शन डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज़ इन जनरल थर्ड ऑप्शन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ इंग्लिश फोर्थ ऑप्शन डिसलेक्सिया और डिसेबिलिटी इस क्वेश्चन में आपको मेंटल ब्लॉक बताना है मेंटल ब्लॉक क्या होता है कौन सा स्टेट ऑफ माइंड होता है और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ इंग्लिश इट मीन्स मेंटल ब्लॉक अगर आप ऐसे समझें अगर वर्ड वर्ड्स पे जाएं और मेंटल ब्लॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप कुछ भी समझ नहीं पाते जब आप लगातार बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं जैसे छः सात घंटा बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड आता है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वही है मेंटल ब्लॉक वही होता है और यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विद इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज मेंटल ब्लॉक कब आएगा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज़ इंग्लिश ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी लेबल्स इट्स फ्रोजन स्नैक्स सेवेंटी फाइव परसेंट फैट फ्री रादर दैन कंटेन्स ट्वेंटी फाइव परसेंट फैट सो दैट पीपल विल व्यव दैम मोर पॉजिटिवली दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आप ऐसे देख सकते हैं कि सेवेंटी फाइव उस प्रोडक्ट में ट्वेंटी फाइव परसेंट फ़ैट है बट उसको पॉजिटिवली कैसे इंडिकेट किया है कि सेवेंटी फाइव परसेंट ये फैट फ्री है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो ये चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो कि सेवेंटी फाइव परसेंट फैट फ्री है तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने ऐसे इसको दिखाया है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है ऑप्शनस आप लोग पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी सीमेंटिक स्लैंटिक सीमेंटिक स्लैंटिक एक ऐसा कह सकते हैं द आर्ट ऑफ परसुएशन ठीक है सीमेंटिक स्लैंटिक सिंपली बोले तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ परसुएशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंसेस देयर स्पीच में बी डिस्क्राइब्ड एज जब भी बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस में तो उनकी जो स्पीच होती है उनको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए बेबलिंग बेबलिंग पता ही होगा बच्चे जो बोलना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा रुक रुक के और उस तरीके से बोलते हैं हकलाकला के वो उसको बैबलिंग बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉम चॉम्सकीज़ आइडिया अबाउट लैंग्वेज एक्विशिशन नोम चॉम्सकी का जो आइडिया था लैंग्वेज एक्विशन का वो इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो उसको सपोर्ट करती है आप लोग ऑप्शंस को आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन का आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इट मीन्स जो बाकी के तीन ऑप्शंस हैं वो तीनों ही ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो नाम चॉम्सकी के आइडिया को सपोर्ट करती है लाइक चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स सेकेंड स्टेटमेंट है द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर टू अबाउट द सेम एज इन मोस्ट चिल्ड्रेन थर्ड स्टेटमेंट है चिल्ड्रेन अक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली ये तीनों ही स्टेटमेंट उनके आइडिया को सपोर्ट करता है और इनकी जो थ्योरी थी वो ये सुने ही होगा आपने कि इनकी जो थ्योरी थी वो थी कि द लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बोथ डीप स्ट्रक्चर्स एंड सरफेस स्ट्रक्चर्स ये आप लोग देख लीजिएगा आराम से ये बुक में आप लोग के दिया होगा जो भी आप लोग बुक रिफ़र कर रहे होंगे सी की तैयारी के लिए और एग्जाम की तैयारी के लिए वो आप देख सकते हैं उसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ वर्ड्स कैन मीन मीनिंगफुली अरेंज टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए इस ऑप्शन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी सिंटेक्स पता ही होगा द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म सेंटेंसेस जो ये क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली exactly सिंटेक्स की डेफिनेशन ही बता रहा है बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्वेल्व ईयर ओल्ड चाइल्ड एंजॉय यूजिंग पंस दिस एन्जॉयमेंट इंडिकेट्स दैट शी ऑप्शंस पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है बेटर लिंग्विस्टिक अवेयरनेस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू रियली डैश द मनी येस्टर ये तीनों ही चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप लोग आराम से और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जिसको आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए इस आंसर को और उसमें थोड़ा सा आप लोग आराम से बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं करिए क्योंकि ग्रामर का क्वेश्चन है आराम से हो जाएगा आप लोगों से और क्वेश्चन का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी नीट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डोंट स्मोक कॉमा डैश क्वेश्चन मार्क ये जो uh, कॉमा के बाद जो सेंटेंस आएगा वो आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है आराम से पढ़ लीजिए इसको और इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी डू यू तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा यू डोंट स्मोक कॉमा डू यू क्वेश्चन मार्क बोलते हैं ना तुम स्मोक नहीं करते क्या तुम करते हो वही और आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा जो मोबाइल ऐप है उस पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ है उस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था ये आप उसका पूरा शेड्यूल देख सकते हैं ये देख लीजिए पूरा शेड्यूल दिया हुआ है और इस मॉक इस टेस्ट को आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं देख सकते हैं बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी के लिए और इसमें कुछ डेट्स दी हुई हैं इन इन डेट्स को ये सारे वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे ये देख सकते हैं आप तो मतलब ये हो चुके होंगे आपके और अब तक के हो चुके होंगे ठीक है ये देखिए डेमो के सेशंस थे आपके ये अपलोड हो चुके हैं ये भी हो चुके हैं ये भी हो चुके हैं इसी तरीके से आपके सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जितनी जितनी डेट पर दिए हुए वो अपलोड हो चुके हैं और आप लोग प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को मॉक टेस्ट को परचेज कर लीजिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी तैयारी के लिए और अगर कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ इन वाट्स इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं ये ये रहा नंबर आप लोग आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट शॉट ले लें आराम से उसको आप बाद में देख सकते हैं तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं ये पूरा शेड्यूल है इसका ये आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिए ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए इनको और इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए जो क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज लर्निंग में इट इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी अक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज़ देन एनी अदर टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ये ऐसी और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू स्किल्स रिक्वायर्ड टू टेक नोट्स इफेक्टिवली आर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ द टू स्किल्स रिक्वायर्ड टू टेक नोट्स इफेक्टिवली आर ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यूजिंग सिम्बल्स एंड एब्रीविएशन इंस्टेड ऑफ वर्ड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है रेमेडिएशन वेन स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी इन द यूज इन द यूज ऑफ डिफरेंट मॉडल्स वुड बी फॉर देम टू रेमेडिएशन पता ही होगा रेमेडी जो भी उसके उपचार होते हैं वो उसको कौन कौन से हो सकते हैं वीडियो को पॉज करके आप अपना ऑप्शन पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी इट मीन्स कि जो भी बच्चों को मॉडल्स यूज करने में डिफ़िकल्टी आ रही है उसका रेमेडी क्या हो सकता है बाय प्रैक्ट प्रैक्टिस बाई कोलेबरेटिवली कम्प्लीटिंग टास्क वे स्ट्रक्चर्स एंड यूज इंटीग्रेटिवली इन अ वेराइटी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स रियल लाइफ सिचुएशन में डाल के उसको यूज़ करके प्रैक्टिस करवा सकते हैं ये बेस्ट रेमेडी है बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं आराम से प्रैक्टिकल यूज़ प्रैक्टिकल यूज़ करा के बच्चों को आराम से सिखाया जा सकता है पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ है वट इज रॉन्ग फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस इज द मेट्रो थिएटर इज लोकेटेड डैश लोधी रोड अब आप इसमें चूज करिए देखिए इसमें कि क्या इस ब्लैंक में क्या आएगा वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए ऑप्शंस और इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑल आंसर्स आर रॉन्ग इट मीन्स इसमें ना ओवर फिट फिट होगा ना एट ना बिसाइड ना बिहाइंड इट मीन्स अगर आप फिट करते हैं तो मेट्रो थिएटर इज लोकेट ओवर लोधी रोड ये भी नहीं होगा तो मेट्रो थिएटर इज लोकेट ऐट लोधी रोड ये भी नहीं हो सकता बिसाइड भी नहीं हो सकता बिहाइंड भी नहीं हो सकता ठीक है यहाँ पर अप्रोप्रिएटली आपका नियर फिट बैठेगा यहाँ पर ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स आर ऑप्शन आप लोग के सामने हैं वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को पढ़ लीजिए जिनको आता हो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से ट्राई करिए इसके आंसर को देने का और इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिसेप्टिव पता ही होगा रिसेप्टिव लैंग्वेज ठीक है लिसनिंग एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन uh, है द नेचुरल ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश सजेस्ट दैट चिल्ड्रेन ऑप्शन ए आर स्लो एट लर्निंग टू स्पीक वेन नॉट इन स्कूल ऑप्शन नंबर बी लर्न टू रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली ऑप्शन नंबर सी आर एबल टू स्पीक फर्स्ट एंड देन लिसन ऑप्शन नंबर डी एक्वायर सम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स अर्लियर दैन अदर्स और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी आर एबल टू फर्स्ट आर एबल टू स्पीक फर्स्ट एंड देन लिसन ये जो स्टेटमेंट है आर एबल टू स्पीक फर्स्ट एंड देन लिसन ये नेचुरल ऑर्डर है लर्निंग का यानी कि बच्चे पहले सुनते हैं सॉरी बोलते हैं ठीक है बोलते हैं फिर सुनते हैं ठीक है और इसी के साथ हमारा आज का सेट यहीं ख़त्म होता है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और औरों के साथ शेयर करिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी तैयारी के लिए और इसी के साथ हम आज आपका सेटिंग ख़त्म कर रहे हैं थैंक यू